हेलो दोस्तों, फैज आलम हाईटेक हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं यह बताने वाला हूँ कि कैसे स्क्रीन सेवर लैपटॉप के स्क्रीन पे लगाएं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइज की ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे एक विंडो खोल के सामने आएगा। देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल खुल चुका है और उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन सेवर के ऑप्शन दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे स्क्रीन सेवर का ऑप्शन सामने आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, ब्लैंक, बबल्स, मस्ती, फोटोज, रिबॉन्स, कुछ भी डाल सकते हैं। तो आप सेटिंग में जाके इसमें सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे रेजुलेशन, स्मॉल रेजुलेशन, स्पीड, बहुत सारा यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। कलर चेंज, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कलर चूज हो चुका है और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऐसो समय कितना देर के बाद है सो यह दिखेगा, उसका सिलेक्शन करना है। तो मैं चाहता हूँ 2 मिनट, तो 2 मिनट के बाद दिखेगा। तो मैं इसे फिलहाल की 1 ही मिनट के लिए रहना देता हूँ। 1 मिनट के बाद यह तो 1 मिनट तक आप माउस वगैरह या कीबोर्ड वगैरह पे कोई टचिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आपको यह 1 मिनट के बाद दिखने लगेगा। तो दोस्तों मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों तो वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करना ना भूले और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।